हेलो स्टूडेंट, मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक लॉजिक गेट्स बताऊंगा, जिसको कहते हैं बूलियन अलजेब्रा में आता है आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। लॉजिक गेट स्टूडेंट क्या होता है कि जब किसी डिवाइस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके डिजिटल फॉर्मेट में एंटर किया जाता है, तो वो सिग्नल एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन उसका आउटपुट कितना आता है, आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई डिवाइस है, डिवाइस में मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो डिजिटल प्रकार का है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए सिग्नल और ये सिग्नल बी है, और आपका आउटपुट आएगा वह, जैसे मान लीजिए आपका क्या है वाई, आपका क्या आउटपुट है। तो ये जो सिग्नल्स हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में है वो किस गेट के माध्यम से जा रहे हैं और उसका आउटपुट क्या आएगा, वो कराते हैं आपका लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में आप बोल सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एक या एक से अधिक हो सकते हैं और उसका आउटपुट क्या होता है, एक होता है। और अलग अलग लॉजिक गेट्स में इसके अलग अलग टर्म्स होती है। लॉजिक गेट्स को अपने मुख्य रूप से छह भागों में बांटते हैं। पहला है आपका और, दूसरा है एंड, तीसरा है नॉट, चौथा है और प्लस, आपका और प्लस नॉट का मिश्रण मतलब एन और, पांचवा है एंड और नॉट का मिश्रण एन एंड, और छठा है आपका एक्सक्लूसिव और। तो आपके ये छह प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, और एंड नॉट एन और एन एंड और एक्स और। ये जो छह प्रकार के जो गेट्स हैं इनकी क्या है, जो सर्किट डायग्राम भी क्या होगा इनका, अलग अलग होता है। जैसे पहले बात करते हैं अपने और के बारे में कि और क्या करता है और कैसे काम करेगा। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि और आपका जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार का इसका सर्किट डायग्राम या बोलते उसका डायग्राम आपका बनता है। इसमें आपका दो आपके इनपुट होते हैं, इनपुट का नाम मैंने लीजिए मान लीजिए ए और बी, और ये आपका क्या हो गया है आउटपुट, अगर इसका मैंने क्या दे दिया नाम वाई दे दिया। ये हल्का सा क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होता है जैसे, और ये इस प्रकार का होता है कौन सा आपका, ये है आपका और। इसमें क्या होगा कि आपके दो इनपुट होंगे और एक आपका आउटपुट होगा। मतलब आप बोलोगे, आप बोल सकते हो कि इस डायग्राम के अंदर आपका जो डिजिटल सिग्नल या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा, या दोनों में जाएगा या दोनों में नहीं जाएगा। मतलब इसमें आपकी चार कंडीशन हो सकती है, या तो आपका सिग्नल ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा, या फिर हो सकता है कि सिग्नल आपका केवल ए में जाए बी में जाए ए में नहीं जाए, या ये हो सकता है कि सिग्नल केवल ए में जाए बी में नहीं जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में ना जाए। तो इस स्थिति में इसको समझने के लिए एक टेबल की आवश्यकता होगी। उस टेबल को क्या कहेंगे अपने, ट्रुथ टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में क्या होगा, जब आपकी जो सिग्नल्स आपके जाएंगे उसको क्या है, उसको अपने करते हैं एक, उसको अपने एक मानते हैं, और जहां सिग्नल नहीं होता उसको क्या मानते हैं, जीरो। और आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने टेबल बनाई और के लिए, इसमें आपके दो इनपुट हैं तो मैं दो इनपुट लिखूंगा, और एक आपका आउटपुट है तो एक आउटपुट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका इनपुट ए और इनपुट बी है, तो मैंने लिख दिया ए और इनपुट बी, और आउटपुट आपके क्या वाई है, तो वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ए के अंदर सिग्नल आपका जा रहा है लेकिन बी में सिग्नल नहीं जा रहा है, तो फिर क्या मानते हैं, ए को एक मानते हैं, मतलब सिग्नल को जब जा रहा है उसको एक मानेंगे, और जहां नहीं जा रहा उसको क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो बी में नहीं जा रहा है तो यहाँ क्या हो गया आपका, जीरो। तो क्या होगा आउटपुट इसका, इसका आउटपुट होगा यस, यानी आपका, आपको एक मिलेगा, मतलब आपको सिग्नल यहाँ पे मिलेगा।
या ये हो सकता है कि बी में जा रहा है और ए में नहीं जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका जीरो और यहां हो गया आपका एक, तो क्या मिलेगा आपको, तो भी आपको आपके जो आउटपुट में आपका एक सिग्नल आपको मिलेगा। या ये हो सकता है कि दोनों में सिग्नल जा रहा है, मतलब ए में भी और बी में भी, तो मतलब ये एक, तो भी आपको क्या मिलेगा आपको आउटपुट में आपके दोनों सिग्नल आपको मिलेंगे। या ये भी हो सकता है कि दोनों में सिग्नल आपके नहीं जा रहे हैं, दोनों में आपके सिग्नल नहीं जा रहे, मतलब जीरो जीरो है, तो ये भी क्या हो गया जीरो जीरो। जब देखिए जब दोनों में नहीं जाएगा तो मतलब क्या होगा आपको आउटपुट में भी क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अपना और है, और गुंजन क्या बोलते हैं या, जैसे मैं बोल सकता हूँ ए या बी में सिग्नल जा रहा है या नहीं जा रहा, हाँ तब तो आपका क्या होगा यस, अगर नहीं तो क्या होगा आपका नहीं। अब यहाँ पर क्या है ए में और बी में सिग्नल जा रहा है या नहीं, तो नहीं जा रहा तब क्या होगा आपका, वो होगा आपका जीरो। तो आप इसमें देखेंगे कि जब आपका सिग्नल जाएगा उसको बोलेंगे एक, और जहां सिग्नल नहीं जा रहा है उसको आप बोलेंगे जीरो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा यस मिलेगा। मतलब आप बोलोगे कि और के अंदर एक ही कंडीशन में आपका सिग्नल नहीं आएगा, जब के दोनों में आपके दोनों इनपुट में आपके सिग्नल आपको नहीं जाएंगे तब आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा। मतलब इसमें भी सिग्नल नहीं जा रहा है, इसमें भी सिग्नल नहीं जा रहा है, तब आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरा है आपका एंड। एंड में क्या होता है कि एंड में जो निशान बनता है वो किस प्रकार का बनता है, कुछ इस प्रकार का, इसमें भी आपके क्या होते हैं दो इनपुट होते हैं ए इनपुट बी और आपका ये वाई आपका आउटपुट। थोड़ा ढंग से बनाता हूं इसको मैं, इसमें देखो हल्का सा तिरछा है, इसमें आपका क्या पूरा आगे से गोल, ये आपका क्या है एंड। अब देखिए एंड में क्या होता है कि एंड में क्या होगा कि जब आपका एक सिग्नल जाएगा और दूसरा नहीं जाएगा तो क्या बताएगा आपका सिग्नल इसमें नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए इसकी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी टेबल आपकी, इसके अंदर ए बी और वाई, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है जीरो है और इसकी वैल्यू क्या है एक है, मतलब इसमें सिग्नल है सॉरी इसमें सिग्नल नहीं है और इसमें सिग्नल है, तो क्या होगा मतलब जीरो और वन है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको आउटपुट में, इसमें आपको आउटपुट में क्या मिलेगा आपको जीरो, मतलब आपका सिग्नल इसमें नहीं पहुंचेगा इस प्रकार के सर्किट डायग्राम के अंदर। दूसरा मान लीजिए इसमें आपका नहीं है और इसमें आपका सिग्नल जा रहा है, तो क्या होगा आपका ये आपका एक होगा ये आपका जीरो होगा, तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट में भी इसमें जीरो ही मिलेगा। और मान लीजिए इसमें भी सिग्नल आपका नहीं है और बी में भी सिग्नल आपका नहीं है, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा इसके अंदर। और ये हो सकता है कि इसमें भी सिग्नल हो और इसमें भी सिग्नल हो, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा सिग्नल मिलेगा, मतलब ये क्या होगा आपका एक। तो आप किसी भी लॉजिक गेट्स को समझने के लिए उसके ट्रुथ टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो ये आपके डायग्राम से डायग्राम के अनुसार आपकी टेबल क्या बनती है उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया। इसके बाद में आपके नॉर एनओर एनएंड और एक्सओर ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।